ये फॉर्म सैलरी रेंज अप टू 20 to 30 है, लोकेशन और मान के चलिए और बीकॉम। मोनी चाय में जो अभी है वो आज मेरी जो बात हुई है रीजनल सेल्स मैनेजर 50% का पैकेज है, TSI के लेवल पे FMCG में बनना चाहिए। कल इसमें भेजना भी है सीधे इंटरव्यू के लिए, तो कल जो लोग FMCG बैकग्राउंड के वो सब इसमें जा सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर में आज राजस्थान कोटा में आज बातचीत हुई, वहाँ के जो हेड HR हैं, चूँकि कानपुर फर्टिलाइजर के अलावा फर्टिलाइजर में मैं देख रहा था दो कैंडिडेट्स के लिए, तो लगभग ये 2 महीने के बाद में प्रॉपर बात हो पाई। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इंजीनियर 70% का पैकेज है और उसके ऊपर भी जा सकता है राइट बंदे के लिए। गणपति डेयरी में रिक्वायरमेंट अभी है लोडिंग अनलोडिंग सुपरवाइजर की है, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की है। कानपुर नर्सिंग पार्क में SAP कम सीनियर अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट 22% का पैकेज आ सकता है। बिग बाजार में रिटेल सेल्स फ्लोर सेल्स के लिए इनको बंदा चाहिए, मोस्ट ऑफली ये कल आएंगे तो जो बिग बाजार में अगर वो जरूर कल आएँ। JD वेंचर में फीमेल बैक ऑफिस विथ टैली एंड MS ऑफिस नॉलेज का चाहिए, इसमें फ्रेजरी इनका है। लक्ष्मी इसेंशियल में सेल्स एग्जीक्यूटिव विथ कंप्यूटर नॉलेज 20% का पैकेज है। डायका में डिस्पैच कम डिलीवरी, शिवांगी लॉजिस्टिक में सुपरवाइजर टीम लीडर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, खन्ना एंड एसोसिएट में जो रिक्वायरमेंट है अकाउंटेंट 15% का बैक ऑफिस जिसको ऑनलाइन वर्किंग की रिक्वायरमेंट है। सुभाष मसाले में डिटेल में बात हुई है, फीमेल बैक ऑफिस चाहिए उनको, MS ऑफिस टैली एक्सपीरियंस FMCG सेल्स के बंदे चाहिए, लैब केमिस्ट चाहिए स्पाइसेस में जिसने काम किया हो, किचन सोल्यूशन में मैकेनिकल सुपरवाइजर एंड जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। डिजिटल पॉइंट में कल इन्होंने आने को कहा है, फीमेल बैक ऑफिस कम टेली कॉलर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर चाहिए। टोटल प्रिसीजन में डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेल्स इंजीनियर चाहिए, बीटेक वाले भी चलेंगे, अकाउंटेंट भी चाहिए उनको बेसिक वाला। भारतीय ग्रुप में CRM एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। नमो एग्जिम में अकाउंट एग्जीक्यूटिव चाहिए। कलक फैमिली में सीनियर अकाउंटेंट 25 पैकेज, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और पैनल वर्क कैप्टन एंड स्टीवर्ड्स भी चाहिए। रेजिनेक्स में सेल्स कैंडिडेट फॉर लग्जरी हार्डवेयर प्रोडक्ट के लिए चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए चाहिए 20 का पैकेज, प्रोडक्शन सुपरवाइजर कम MIS एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज एडवांस एक्सेल के लिए चाहिए, अकाउंट मैनेजर चाहिए 20% का पैकेज का, प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए 20% का पैकेज के लिए चाहिए। RVB समूह में श्री श्याम पैकेजिंग में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद कंप्यूटर नॉलेज सेल्स एग्जीक्यूटिव भी इनको चाहिए, 12% का पैकेज है। RVB समूह में फिटर वेल्डर टर्नर लेथ मशीन ऑपरेटर फैब्रिकेशन के लिए बंदे चाहिए, रनिया के लिए और इसमें सेकेंडरी के पास में इनकी फैक्ट्री है। फिर कृष्णा इंटरनेशनल में रिक्वायरमेंट है सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर सैंपल वर्क के लिए चाहिए। प्रोटो में फॉर्म में प्रोडक्शन सुपरवाइजर क्वालिटी में हमने ऐसे कैंडिडेट फाइनल हुए हैं, इसमें परचेज में उनका पैकेज 40% का फाइनल हुआ है। परचेज मैनेजर टर्नर CNC DMC ऑपरेटर 25 का पैकेज में हुआ है इसमें। एकलव्य फाइनेंस में सेल्स ऑफिसर चाहिए 25 में। एक अभी CEO चाहिए इनको, CEO चाहिए डायरेक्टर लेवल पे चाहिए जो अर्बन ग्रीनरी इन कानपुर में उन्होंने काम किया हो, हॉर्टिकल्चर में काम किया हो, बेसिकली इनको चाहिए जो प्राइवेट बंगलोज ऑन वन हैंड एंड मतलब एक लंबा JD है, इसमें जो लोग काम करना चाहते हैं मेरे ग्रुप की उसमें आ सकते हैं। ऑडी में भी रिक्वायरमेंट, CRE की भी और सारी रिक्वायरमेंट है वो भी आ रही हैं। अंकित टीम में कल ये भी आएंगे। गुड कम्युनिकेशन स्किल सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए जो लोकल लेवल में कानपुर बेस में FMCG में काम करना चाहते हो। और मैंने आपको बताया था सुपर हाउस में इनको जनरल स्टोर के लिए उन्नाव लोकेशन के लिए पैकेज 15 के अंदर का है, सी एंटर 35 के अंदर का है, फाइनल पासर उन्नाव के लिए 12% का पैकेज है, 15% का पैकेज है। ये मेजर रिक्वायरमेंट है। देख माई डियर फ्रेंड, बीच में कॉल अभी आ गई थी, शायद एक दो कंपनियाँ रह गई हैं। स्पार्क फाइबर में फैक्ट्री हेड की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रीशियन बैक ऑफिस, सुपर हाउस में मेंटेनेंस मैनेजर लेदर इंडस्ट्री का है, IDFC बैंक में जो रिक्वायरमेंट है वो सेल्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, जूस में स्टोर इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस का जो मैसेज आया था सी एंटर स्टोर लेदर पार्सल में भी इनको चाहिए, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अब वो कैंडिडेट जो नाव के वो इमीडिएट फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए कंपनीज में सारी इन्विटेशन दिया जाता है,
इवन दिवाली में भी अभी भी चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये ज्वाइनिंग्स भी चल रही हैं कुछ कंपनी को छोड़ करके जिन्होंने ज्वाइनिंग एक तो उन्होंने पोस्टपोन किया होगा, अदरवाइज ज्वाइनिंग अभी चल रही है, इस टाइम का भी लोग मौका निकाल सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि कल कंपनी जब आती है तो अब टेक्निकल को बुलाना अगर है तो टेक्निकल लोग अगर नहीं होंगे तो नहीं बुलाया जा सकता है, सुपरवाइजर लोग नहीं होंगे, फीमेल अगर बैक ऑफिस में नहीं होंगे तो उन कंपनीज को बुलाने का फ़ायदा नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग जो टाइमिंग देते हैं सबको कहा जाता है वो 11 बजे ऑफिस में आना स्टार्ट करेंगे, तो 1 बजे से प्रॉपर प्लेसमेंट ड्राइव रोजगार मेला जब चालू किया जाता है तो हम लोग जैसे जैसे कैंडिडेट जिस प्रोफाइल के आते रहते हैं कंपनी को बुलाना कि हाँ ये कैंडिडेट आ गए सर आप आ जाइए। सेल्स के कैंडिडेट, बैक ऑफिस के कैंडिडेट, सुपरवाइजर के, अगर आप प्लेसमेंट ड्राइव या रोजगार मेला में नहीं आ रहे तो आप ये जरूर मान के चलिए आपकी मार्किंग निगेटिव जाती है, एक्सट्रीम बिजी है, कुछ अनअवॉर्डेबल सिचुएशन है, दैट इज ऑल टूगेदर डिफरेंट। आने का सबको फायदा हुआ है, तो जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं जो भी प्रोफाइल पे हैं वो एक बार जो वर्किंग कर रहे हैं, जो फंसे हुए उनकी मैं बात नहीं कर रहा, उनको तो चलिए किसी से मैनेज कर सकते हैं, बट मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि प्लीज़ डोंट मिस प्लेसमेंट ड्राइव ऑन सैटरडे, ये इसको मिस मत करिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका फिजिकली आना नुकसान नहीं करता है, और कंपनीज को अगर हम बुला रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आपकी अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी है। हाँ, कोरोना के बाद में भेजा ज़्यादा जाने लगा है कैंडिडेट्स को कंपनियों में, वीक में भी हम लोग भेज रहे हैं, पर इसको हल्के में मत लीजिए चीज़ों को, बी पार्ट ऑफ प्लेसमेंट ड्राइव, अगर आप नहीं आ रहे तो आपकी मार्किंग निगेटिव है। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़ और mysurejob.com को भी देखते रहिए, और अपने साथ कम से कम 10 से 12 लोगों को शेयर करिए, डेली जॉब न्यूज़ चैनल को शेयर करिए, mysurejob.com को शेयर करिए, और बताइए भी जिससे हर घर में असली दिवाली मनाई जा सके। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़ mysurejob.com।